वेलकम टू स्टडी टिप्स। आज है 16 जून 2021 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में एक इम्प्रूवमेंट फील हो, एक कॉन्फिडेंस फील हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं क्या है आज कुछ नया। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? तो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का जागरूकता दिवस मनाया जाता है 15 जून को। ठीक है, 15 जून को मनाया जाता है बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का जागरूकता दिवस। दोस्तों, जो बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनके साथ बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन ऐसा होता है। तो इस कारण से WHO के द्वारा बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है ताकि लोग इस चीज को लेकर अवेयर हो और उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए उनके अधिकारों से अवगत उन्हें कराने के लिए, ठीक है, हर साल बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का रोकथाम करने के लिए ये जागरूकता दिवस मनाया जाता है WHO के द्वारा। ठीक है, ये मनाया जाता है। तो बात करते हैं WHO की। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसके अभी चीफ कौन है? तो इसके चीफ है अभी टेड्रोस अधानोम। ठीक है, टेड्रोस अधानोम। और ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो बहुत ही एग्जाम रेलेवेंट होते हैं और एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो जितने भी जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज अभी तक के हैं वो मैं एक बार करके उसे रिविजन कर लेता हूं ताकि आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड क्वेश्चन छूटे ना। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो आप टिक करके आ पाएंगे। तो 1 जून को यानी कि 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया गया, ग्लोबल पेरेंट्स डे। 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे और उसी दिन मनाया गया तेलंगाना फॉर्मेशन डे। बात करते हैं 3 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। 4 जून को तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। अगर आप इस वीडियो को डेली देखते हैं, हमारे करंट अफेयर्स के सेशन को डेली देखते हैं, तो आपको ये सब डेज बहुत ही आसानी से याद रह पाएंगे। और ये जो करंट अफेयर्स होता है सारे एग्जाम्स में आजकल क्या होता है, डिसाइव होता है, डिसिसिव होता है। आपके लिए ये क्या करेगा, एक पत्थर का मील साबित होगा। ठीक है, मील का पत्थर साबित होगा करंट अफेयर्स, इसीलिए आपको इसे करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इस बार इसकी थीम रही थी इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। चलिए बात करते हैं 7 जून की। तो 7 जून को मनाया गया इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इसी दिन मनाया गया। 8 जून को मनाया गया विश्व महासागरीय दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे। 9 जून को कौन सा डे मनाया गया? वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे यानी कि विश्व प्रत्यापन दिवस। और 10 जून को कौन सा डे मनाया गया? वर्ल्ड ग्राउंड वाटर अवेयरनेस डे। ठीक है, विश्व भूगर्भ जल जागरूकता दिवस। तो वहीं 12 जून को कौन सा डे मनाया गया? 12 जून को मनाया गया वर्ल्ड चाइल्ड लेबर अगेंस्ट डे, बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को कौन सा डे मनाया गया था? 13 जून को कौन सा डे मनाया गया था? तो 13 जून को मनाया गया था इंटरनेशनल, ठीक है, आपको इसको भी याद रखना है और ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म, ठीक है, एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस, अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। 14 जून को कौन सा डे मनाया गया? 14 जून को मनाया गया वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस। ये सारे दिवस आपको याद रखने हैं। तो ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज। और 15 जून को कौन सा डे मनाया गया? तो 15 जून को मनाया गया बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार वाला जागरूकता दिवस। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड कुछ बातें। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि देखिए, गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस टाइटल किसने जीता? अभी अभी गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस हुआ 2021 वाला, इसका जो ये जो इसको जीता है किसने? इसको जीता है डी गुकेश ने। किसने जीता है? और इसने हराया किसको? तो इसने हराया प्रज्ञा नंदा को। ठीक है,
प्रज्ञानंदा को हराया इसने। ठीक है, तो ये जो बात करते हैं कि चेस से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स पर्सन चेस कौन कौन खेलते हैं इंडिया में, आपको ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फाइन, तो डी गुकेस आपको याद रखना है। डी गुकेस इंडियन प्लेयर है, इंडियन चेस प्लेयर है, बहुत ही कम उम्र का है। देखिए, आप इसे देख पा रहे होंगे, डी गुकेस। ठीक है, और इसने जीता है अभी गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस टाइटल। किसको हराया है? तो प्रज्ञानंदा। ये भी क्या है? इंडिया से हैं। ठीक है, ये भी क्या है? कौन है? इंडिया से हैं, बहुत ही कम उम्र के हैं। तो प्रज्ञानंदा को इन्होंने हरा दिया और डी गुकेस ने जीता गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस टाइटल $15,000 वाला। ठीक है, $15,000 इसकी प्राइज मनी है, तो इसे कहा जाता है $15,000 गर्लफ्रेंड चेस टाइटल। और आप जानते हैं विश्वनाथन आनंद भी हमारे इंडियन प्लेयर हैं चेस के। ठीक है, मास्टर कहा जाता है इन्हें चेस का। तो ये हो गया बात गर्लफ्रेंड चेस चैलेंज चेस टाइटल। फाइन, तो आपको इतना याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए प्रीत जिगर अवार्डी गॉटफ्रीड बोहम। ठीक है, तो ये जो गॉटफ्रीड बोहम है इन्हें प्रीत जिगर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रीतजगर पुरस्कार से सम्मानित गॉटफ्रीड बोहम का अभी अभी निधन हो गया। ठीक है, अभी अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये किस फील्ड से रिलेटेड थे दोस्तों? ये बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट थे, या यू कहें कि इन्हें फादर ऑफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता था। ठीक है, फादर ऑफ आर्किटेक्ट भी इन्हें कहा जाता था। तो आपको इसे याद रखना है कि फादर ऑफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता था किनको? गॉटफ्रीड बोहम को। और इनको प्रीत्जगर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो बात करते हैं ये कहाँ के थे, तो ये जर्मनी के थे, आर्किटेक्ट थे, और प्रीत्जगर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी जो ये जो प्रमुख जो कंस्ट्रक्शन किए हैं, जो बिल्डिंग बनाए हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो पिलग्रिमेज जो है बिल्डिंग है, चर्च है, ये इन्होंने बनाया था। ठीक है, सिटी हॉल बनाया, ठीक है, बेसिन सिटी हॉल बनाया। तो ये सब कुछ कुछ बहुत बड़े बड़े इनके आर्किटेक्ट्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन है। आपको ध्यान में शायद ये नहीं रखना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम से कि इन्होंने क्या क्या बनाया है, लेकिन ये बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, फादर ऑफ आर्किटेक्ट कहा जाता था। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनके कंस्ट्रक्शन जो कि बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, वर्ल्ड फेमस इनके कंस्ट्रक्शन है। चर्च बनाते थे, चर्च का कंस्ट्रक्शन, इन्हें कंक्रीट चर्च बनाने के लिए इन्हें जाना जाता था, कंक्रीट चर्च बनाने के लिए इन्हें जाना जाता था, जिनका अभी निधन हो गया है। अब देखिए, अगर ऑबिचुअरी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है, ये किस फील्ड से, तो आपको उसे जवाब देना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, कि संचारी विजय, आप देख पा रहे होंगे संचारी विजय जी, ठीक है, इनका अभी निधन हो गया है। संचारी विजय जी का, ये कौन थे? तो ये एक कन्नड़ एक्टर थे। ठीक है, कर्नाटक के कन्नड़ एक्टर थे और इनका अभी निधन हो गया है, संचारी विजय। ठीक है, संचारी विजय एक कन्नड़ एक्टर थे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि संचारी विजय जिनका निधन हुआ था वो कौन थे? एक्टर थे, राइटर थे, रिपोर्टर थे, फिल्म डायरेक्टर थे। तो आपको बोलना होगा कि कन्नड़ एक्टर, वो तो बोलना नहीं है, तो कन्नड़ एक्टर थे, ये कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे संचारी विजय, जिनका अभी निधन हो गया है। अगर ऑबिचुअरी निधन से बात करें तो अभी अभी निर्मला मिल्खा सिंह, ठीक है, निर्मला मिल्खा सिंह, ठीक है, ये कौन है, ये कौन थी? तो निर्मला मिल्खा सिंह जो है, मिल्खा सिंह जो आप लोग जानते होंगे मिल्खा सिंह को, तो मिल्खा सिंह जो स्प्रिंट रनर थे, ठीक है, मिल्खा सिंह की पत्नी है। ठीक है, मिल्खा सिंह की पत्नी है, आप इसे जानते होंगे, फ्लाइंग जेट। ठीक है, तो मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मला मिल्खा सिंह का अभी निधन हो गया, और ये भारतीय वॉलीबॉल टीम की भी कप्तान रह चुकी हैं, इनका निधन अभी हो गया है निर्मला मिल्खा सिंह की का। ठीक है, देखिए ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स क्वार्टर वन में, ठीक है, पहली तिमाही में 2021 की पहली तिमाही में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 55 है। ठीक है, भारत की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में 55वां है, और पिछले साल पहली तिमाही में 2020 में इसकी रैंकिंग 43वां थी, 43वां रैंक पर थी। लेकिन इस बार जो पहली तिमाही का ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स जारी किया गया है, तो इसमें भारत की रैंकिंग 12 स्थान पीछे चली गई है। ठीक है, और ये 55वां स्थान पर खिसक गई है। तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये खिसक गई है। अच्छा, इस रैंक को, इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो इस इंडेक्स को जारी करता है नाइट फ्रैंक। ठीक है, इस इंडेक्स को नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना 1896 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूके में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है।
तो नाइट फ्रैंक एक संस्था है, इसके द्वारा ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स जारी किया जाता है और क्वार्टरली वन में 2021 वाले क्वार्टर वन में इसकी रैंक भारत की रैंक रही थी 55वां। बात करते हैं टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है तुर्की, ठीक है, तुर्की जो है इसके टॉप पर है, और सेकेंड स्थान पर न्यूजीलैंड, सेकेंड स्थान पर न्यूजीलैंड। तो ये याद रखना है कि फर्स्ट पर तुर्की, सेकेंड पर न्यूजीलैंड, और भारत का रैंकिंग रहा है 55वां, पिछले साल 43वां था, 12 स्थान अभी खिसककर 55वां स्थान इसका हो गया है। G7 लीडर्स समिट, ठीक है, G7 लीडर्स समिट 2021 वाला अभी अभी हुआ है, ठीक है, G7 लीडर्स समिट 2021 वाला अभी अभी संपन्न हुआ है। ये इसका कौन सा संस्करण था, ये जो था कौन सा संस्करण था, तो 47वां संस्करण था G7 लीडर समिट का, ये 47वां संस्करण था, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है कि 47वां संस्करण G7 लीडर समिट वाला ये 47वां संस्करण था, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें भाग लिया, और ये जो हुआ था 11 से 13 जून तक ये चला, ठीक है, 11 से 13 जून तक चला, और कहां पर हुआ था, कार्नवाल, कार्नवाल यूके में, ठीक है, कार्नवाल यूके में हुआ था, ठीक है। और बात करते हैं कि इसके अध्यक्षता किसने की, तो यूके ने इसकी अध्यक्षता की, G7 की अध्यक्षता किसने की, तो यूके ने की, G7 लीडर समिट जो 47वां संस्करण था इसकी अध्यक्षता यूके के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। COAI यानी कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन अभी अजय पुरी को 2021-22 के लिए अजय पुरी को नियुक्त किया गया। अजय पुरी अभी कौन है, तो ये जो है अजय पुरी भारतीय एयरटेल, ठीक है, भारतीय एयरटेल, एयरटेल के चीफ, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर है, ठीक है, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर CEO, ये अभी भारतीय एयरटेल के कौन है, अजय पुरी है 2021-22 में के लिए COAI का अभी इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं प्रमोद कुमार मित्तल जो रिलायंस जियो कॉम, ठीक है, रिलायंस, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष हैं, कौन, प्रमोद कुमार मित्तल, इन्हें अभी COAI का उपाध्यक्ष ये हैं, ठीक है, COAI का ये अभी उपाध्यक्ष हैं। वहीं बात करते हैं दिनेश पैंगटे, ठीक है, दिनेश पैंगटे कौन है, तो दिनेश पैंगटे LIC म्यूचुअल फंड का, ठीक है, डायरेक्टर है, LIC म्यूचुअल फंड का डायरेक्टर है, LIC म्यूचुअल फंड का डायरेक्टर है। वही रविंदर टक्कर के बारे में अगर बात करें तो रविंदर टक्कर वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन है, ठीक है, वोडाफोन आइडिया के प्रमुख बोल सकते हैं, तो वोडाफोन आइडिया के प्रमुख रविंदर टक्कर है। तो बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, तो COAI यानी कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन अभी नियुक्त किया गया है अजय पुरी, और इससे पहले कौन चेयरमैन थे, तो अजय पुरी ही थे, ठीक है, इससे पहले भी अजय पुरी थे, यानी कि इन्हें रीएलेक्ट किया गया है 2021-22 के लिए फिर से, और ये भारतीय एयरटेल के चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर हैं। प्रमोद कुमार मित्तल कौन है, रिलायंस जियो के इन्फोकॉम के अध्यक्ष हैं, और ये उपाध्यक्ष हैं अभी COAI के। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए, IAMAI के शिकायत निवारण बोर्ड, देखिए अभी जितने भी सोशल मीडिया वाले जितने भी कंपनीज हैं, वो देखा हमने कि डिजिटल लॉ आया, IT लॉ आया, उसके तहत एक शिकायत अधिकारी रखना बहुत ही जरूरी है उनको, ठीक है, तो IAMAI के शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेंगे, ठीक है, IAMAI का मतलब तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटरनेट, IAMAI, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अभी शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता जस्टिस AK सिकरी द्वारा की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, और ये जस्टिस AK सिकरी यानी कि अर्जुन कुमार सिकरी साहब IAMAI के शिकायत निवारण बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। तो वही बात करते हैं अमित अग्रवाल की, तो अमित अग्रवाल IAMAI के अध्यक्ष हैं अभी, अमित अग्रवाल IAMAI के अध्यक्ष हैं। संजीव कुमार कौन है, तो संजीव कुमार एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं।
वहीं पीके गुप्ता की बात करें तो ये NBCL यानी कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के अभी अध्यक्ष हैं पीके गुप्ता। तो आपको याद रखना है जस्टिस एके सिकरी अभी अध्यक्षता करेंगे शिकायत निवारण बोर्ड के IMAI के, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न के तर्ज पर, यानी कि जो इंडिया में भारत रत्न दिया जाता है उसी प्रकार के तर्ज पर अपने राज्य में अपने अनुसार राज्य की पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा कौन से सरकार के द्वारा की गई है? तो ये असम के सरकार के द्वारा भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के तर्ज पर अपने राज्य के भी कुछ पुरस्कार के अवार्ड को देने की घोषणा की है। अगले साल से ये दिया जाएगा असम के सरकार द्वारा। असम की बात करें तो इसके CM है अभी हेमंत बिश्व शर्मा। और अगर गवर्नर की बात करें, गवर्नर असम के हैं जगदीश मुखी। ये भी याद रखना है जगदीश मुखी। वहीं मेघालय के बारे में हम बात करते हैं तो मेघालय के जो CM है वो है कोनराड संगमा। मेघालय के CM कौन है? कोनराड संगमा। और अगर यहाँ के राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। अभी राज्यपाल कौन है मेघालय के? सत्यपाल मलिक। वहीं गुजरात के बारे में बात करें तो यहाँ के CM है विजय रूपानी। यहाँ के CM है और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। और मणिपुर के जो CM है वो है एन बीरेन सिंह। और यहाँ की जो गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला। इसको याद रखना है आपको, नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। और बात करते हैं असम की तो असम में पहले 5 नेशनल पार्क थे। काजीरंगा, नामेरी, मानस, औरांग और नेशनल पार्क कौन थे 5? तो आपको इसे बताना है, 5 नेशनल पार्क पहले थे। और बताइए कि अभी 6ठा और 7वां नेशनल पार्क का असम की सरकार ने घोषित किया है किसे? 6ठा वाला रायमोना है, रायमोना नदी के किनारे रायमोना नेशनल पार्क है 6ठा नेशनल पार्क। 7वां नेशनल पार्क कौन बनाया गया है असम के गवर्नमेंट के द्वारा, इसे आपको बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि असम में अब 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनेंगी नप्ताली बेनेट, ठीक है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनेंगी नप्ताली बेनेट। ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो बेंजामिन नेतन्याहू, आप लोग तो जानते ही होंगे बेंजामिन नेतन्याहू। ये 2009 से 2021 तक प्रधानमंत्री के रूप में, इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। 12 वर्षों तक इन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और ये बहुत लंबे समय, यानी सबसे लंबे समय के लिए अगर कोई प्रधानमंत्री इजराइल के रहे हैं तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू अभी तक के, ठीक है। और अब बनेंगी नप्ताली बेनेट। ये किस पार्टी से है? तो यमीना पार्टी से है ये, ठीक है, यमीना पार्टी से। और ये एक गठबंधन वाली सरकार बनाएगी इस बार, ठीक है, गठबंधन वाली सरकार। तो गठबंधन किसके साथ किया है? तो गठबंधन किया है इन्होंने यस एटिड पार्टी के द्वारा। आपको इसे भी याद रखना है, यस एटिड पार्टी के साथ मिलकर यमीना पार्टी और यस एटिड पार्टी जो गठबंधन से क्या करेंगी, वहां पर सरकार बनाएंगी। तो ये क्या करेगा कि सितंबर 2023 तक नप्ताली बेनेट रहेंगी वहां की प्रधानमंत्री। उसके बाद 2 वर्षों तक यानी कि 2025 तक यस एटिड पार्टी के जो प्रमुख हैं येर लापिद, ये इजराइल के प्रधानमंत्री रहेंगे, ठीक है। नप्ताली बेनेट रहेंगी 2023 तक और उसके बाद 2025 तक रहेंगे येर लापिद। गठबंधन वाली सरकार बनने जा रही है इजराइल में, येर लापिद और नप्ताली बेनेट के बनेंगी प्रधानमंत्री दो दो साल के लिए। अच्छा, वहीं बात करते हैं इजराइल के राष्ट्रपति की, तो रिवलिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए बात करते हैं इजराइल के जो करेंसी है न्यू सेकेल। इजराइल की करेंसी क्या है? न्यू सेकेल। और यहाँ का राजधानी क्या है, यहाँ का कैपिटल क्या है? तो यहाँ का कैपिटल है जेरूसलम।
तो ये रहा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आपके लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज को लॉन्च करने की हम लोग का प्लान किया जा रहा है और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर चलाए जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। अभी RRB NTPC CBT2 ग्रुप डी SSC GD BPSC JPSC का एग्जाम होने वाला है, SSC CGL का एग्जाम होने वाला है, SSC JEE का एग्जाम होगा, तो बहुत सारे एग्जाम्स है। सब के लिए हमारे चैनल पर कोर्सेज लाया जाएगा जो कि बहुत ही उत्कृष्ट गुणवत्ता का कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, वो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूले। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में अगर आप कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका PDF लिंक डाल देंगे, ठीक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट